हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता शेखावत। मेरे चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी रोज रोज के नाश्ते से बोर हो गए हैं तो एक बार इस चना चटपटा को बनाकर जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि खाने में ये इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ये तो सबको ही पता है कि चने जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, ये बादाम से भी ज़्यादा हेल्दी होते हैं। आप इसको रोज ना खा पाएं तो सप्ताह में कम से कम एक से दो बार तो इसका सेवन आप जरूर करें। बहुत हेल्दी रहते शरीर के लिए और खाने में भी टेस्टी होते हैं। आप चाहे इसे कौन से भी तरीके से खाएं, आप इसको कच्चा खाएं भिगोकर या फिर अंकुरित करके खाएं। और अगर आपको उस तरीके से नहीं भाता है तो आप इस तरह से इसको चटपटा बनाकर खाइए, ये फायदेमंद भी रहेगा और आपको टेस्टी भी लगेगा। आप इसको बिल्कुल आसानी से बड़े चाव से खाएंगे इस तरह से बनाकर। तो चलिए जल्दी से हम चना चटपटा बनाना शुरू करते हैं। तो चना चटपटा बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री लगेगी, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले काला चना लिया था और उसको हमने रात भर भिगो दिया था। जब अच्छे से भीग गए तो उसको हमने कुकर में डालकर 5 सीटी लगवा ली थी। तो ये इस तरह के हमारे पककर तैयार हो गए हैं। इसको हम मैश कर रहे हैं तो एकदम आसानी से मैश हो रहे हैं। तो इसके लिए हमें ऐसे ही चने चाहिए। इसके बाद हमने इसको और हेल्दी बनाने के लिए यहाँ पे अंकुरित मूंग का इस्तेमाल किया है। ये मूंग भी हमने अंकुरित करके ले लिए थे। इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। साथ में हमने एक मीडियम आकार की प्याज ली थी, उसको बारीक बारीक कट कर लिया है। प्याज की मात्रा आप अपने अनुसार थोड़ी सी कम या ज़्यादा रख सकते हो। एक हमने टमाटर लिया था, ये भी मीडियम आकार का टमाटर है और इसको भी हमने बारीक चॉप कर लिया है। साथ में हमने एक हरी मिर्ची लेकर उसको एकदम बारीक बारीक चॉप किया है। मिर्ची के कारण ये थोड़ा सा चटपटा बनता है। इसके साथ ही हमने यहाँ पे हरा धनिया लिया है, उसको भी हमने बारीक चॉप कर लिया है। हरा धनिया, प्याज, टमाटर और मिर्ची की मात्रा आप अपने अनुसार थोड़ी सी कम या ज़्यादा रख सकते हो। और ये हमने एक नींबू का रस लिया है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है कि हमें चने को हल्का सा क्रिस्पी बना कर लेना है। तो उसके लिए हम एक पैन को गैस पर रखेंगे और पैन के अंदर हम एक छोटा चम्मच तेल, हमें ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है, केवल एक छोटा चम्मच तेल आप इसके अंदर लें और पैन में डालकर गरम कर लें। तेल की जगह पे आप थोड़ा सा बटर या फिर मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हो। इसके अंदर तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हमें क्या करना है, जो हमने चने लिए थे उसको इसके अंदर डालेंगे और फुल गैस पे इसको हम लगभग 2 मिनट तक ऐसे ही चलाते हुए हल्का सा क्रिस्पी कर लेंगे। तो इससे जो हमारा चना चटपटा बनेगा वो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। गैस का फ्लेम आप फुल रखें क्योंकि इसको हमें नरम नहीं करना है, थोड़ा सा क्रिस्पी करना है, इसलिए आप इसको फुल गैस पे पकाएं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसका छिलका जो है पूरी तरह से तिड़क गया है, यानी फट गया है। तो इतना ही इसको हमें पकाना है। अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे क्योंकि ये एकदम अच्छे से तैयार हो चुका है। क्योंकि अगर इसको हम और ज़्यादा पकाएंगे तो ये पूरे मैश हो जाएंगे, जो हमें नहीं चाहिए। हमें इसके अंदर खड़े खड़े चने चाहिए। अब इसको हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसका चना चटपटा बनाकर तैयार करेंगे। तो पैन को हमने नीचे उतार लिया है गैस पे से, ये एकदम ठंडे हो गए हैं चने। अब बाकी की सामग्री इसके अंदर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर स्प्राउट डालेंगे, ये मूंग के स्प्राउट है। ये इसके अंदर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल लें, नहीं तो अकेले चने से आप इसको बना सकते हो। इसके बाद में इसमें हमें प्याज मिक्स करना है, टमाटर भी मिला लेते हैं और साथ में हरी मिर्ची और धनिया भी इसके अंदर डाल लेंगे। तो आधा धनिया हम इसके अंदर एक बार डालेंगे और आधा बचा कर रखेंगे, उसको हम ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेशन करने के लिए काम में लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारी सामग्री जो हमने सब्जियाँ काट कर रखी थी वो मिला ली है। अब इसमें हम थोड़े से मसाले मिलाकर तैयार करेंगे क्योंकि इसको हमें चटपटा बनाना है। तो यहाँ पे मैं आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल इसके अंदर कर रही हूँ। आधा छोटा चम्मच इसमें मैं नमक डाल रही हूँ क्योंकि मैंने जब चनों को बॉईल किया था तो उसके पानी में थोड़ा सा नमक डाल दिया था, जिससे चने हमारे नमकीन हो चुके हैं। अब खाली हम सब्जियों को बैलेंस करने के लिए इसमें नमक डाल रहे हैं। अगर आप पहले नमक नहीं डालते हैं तो आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें टेस्ट करने के बाद और नमक डाल लें, लेकिन पहले आप थोड़ा ही डालिए। इसके बाद में इसको हम और टेंगी और चटपटा बनाने के लिए यहाँ पे आधा छोटा चम्मच चाट मसाला डाल रहे हैं। इससे इसका टेस्ट जो है बहुत बढ़िया आता है और जब इसका नाम ही चटपटा है तो इसमें चाट मसाला तो बनता है। इसको हमने डाल लिया है। इसके बाद में इसको हमें क्या करना है, मिक्स करने से पहले जो हमने नींबू का रस लिया था वो नींबू का रस इसके अंदर डालेंगे और इसको हमें एकदम अच्छे से मिला लेना है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें पता लगता है कि आपको रेसिपीज कैसी लगती हैं। इसको हम जैसे जैसे मिला रहे हैं इसमें से बहुत ही बढ़िया सी एकदम टेस्टी वाली खुशबू आ रही है।
इसको देखकर ही खाने का मन हो रहा। और वास्तव में जब आप इसको बनाएंगे ना तो आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। जब भी आपका कुछ चटपटा और अलग सा खाने का मन करे तो आप इस डिश को ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी है। तो यहाँ पे हमने इसको एकदम अच्छे से मिला लिया है। अब इसको हम फटाफट सर्व कर लेते हैं। इस तरह से चना चटपटा आप सुबह के नाश्ते में भी बना सकते हो, क्योंकि टेस्टी होने के साथ साथ ये हेल्दी भी बहुत होता है और ये सभी को पसंद आता है। इसकी ये खास बात होती है कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अब इसको सर्व करने के बाद में आप ऊपर से थोड़ा सा इसको टमाटो और नींबू के साथ में डेकोरेट कीजिए। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही टेस्टी और चटपटा सा चना चटपटा बनकर तैयार हो गया है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और वास्तव में इतना ज़्यादा टेंगी होता है, एक बार बना लिया तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।